आपको इस सीज़न में हम कुछ खास बातें बताते हैं, कुछ ऐसी बारीकियां बताते हैं जिनसे रूबरू होने के बाद आपके जो दुख हैं उन दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, हम सभी के जीवन में अलग अलग तरह की खुशियाँ होती हैं और कुछ परेशानियाँ होती हैं। जो सुख होते हैं अक्सर उन घड़ियों में हम किसी से भी कुछ भी अपनी व्यथा नहीं कहते, क्योंकि हमें लगता है अब तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, परेशानी की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन छोटी सी आहट भी अगर परेशानी की हो जाए तो हम बहुत ही भयभीत हो उठते हैं। हमें लगता है कि न जाने ये परेशानी की जो आहट अभी हम सुन रहे हैं कितनी बड़े धमाके के रूप में हमारे सामने आ सकता है। ये जो भय है ये ठीक भी है कई बार, क्योंकि अगर आप इस आहट पर भी सचेत हो जाते हैं, हमारे इस कार्यक्रम से अगर आप जुड़े हुए हैं तो हम आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स, ऐसे साइंस बताते रहते हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये परेशानी किस बड़े परेशानी के बारे में आपको इशारा दे रही है। समय रहते ही उपाय कीजिए, परेशानी से मुक्ति आपको ज़रूर मिल जाएगी। देखिए, हम ईश्वर नहीं, लेकिन आपको एक बात ज़रूर बताते हैं कि उनकी लेखनी में बहुत सारे पॉजेस होते हैं, कुछ कॉमास होते हैं जो वो हमारे लिए छोड़ देते हैं कि बेटा कर्म करो, उपायों को करो और देखो जो ये बुरी चीज़ें हैं, जो ये बुरे आहट हैं, इनसे तुम्हें बचाव मिल जाएगा। हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य, लाल किताब के ज्ञाता पंडित जी डी वशिष्ठ जी, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे, आपके सवालों को सुनेंगे और उनके उत्तर देंगे। हमारे साथ हमारी वो टीम मौजूद है जिस टीम से आप अपने दिल की बात को शेयर करते हैं, यानी आपके हमराज हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। चलिए हम मिलकर स्वागत करते हैं गुरुदेव का, ताकि वो आए और आपके सवालों को सुनकर वो जवाब दें। जैसे पूछती रत कोई चंद्र किरण, जैसे ज्ञान दीप कहीं जल गई है, खुशियों का सहर कोई रब की महर, जैसे माँ की दुआएं फल गई है, कहीं चंदन महका दस्तक बसंत की, जैसे बाग में खुशियां खिल गई है, जैसे सुख का सूरज युग ही गया, दर्शन गुरु वशिष्ठ का हो ही गया, दर्शन गुरु माता रानी खुशियां बख्शे हो ही गया। गुरुदेव, इस बार हम कुछ और नया करने जा रहे हैं, नया कुछ ऐसा कि हमने अपनी ही टीम मेंबर्स को यहाँ बैठा रखा है। ये वो हमारी टीम है जो कि हमारे दर्शकों के कॉल्स को लेती है, ये उनके कॉल सुनते हैं, तो ये शायद भावनात्मक रूप से उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और शायद इनके पास जो भंडार है दुखों का, जो ये सुनते रहते हैं, शायद उतनी बातें ना मैं जानती हूँ और आप तो ज़रूर जानते होंगे क्योंकि लोग आप तक पहुँचते हैं। तो आज एक एक करके इनसे जान लेते हैं कि क्या क्या बात ये हमें बताने वाले हैं। चाहत तो ये है कि सब साथ मिलकर रहें, साथ मिलकर चलें, पर ग्रह हैं कि हम एक दूसरे से जुड़ने ही नहीं देते, तो इसकी सजा ग्रहों को मिले, हमें क्यों? अगन दुखों की तेज जले। हम पढ़ते सुनते तो यही है कि हमें पराये को भी अपना लेना चाहिए, पर यहाँ तो अपना साया भी साथ छोड़ता नजर आ रहा है। काम दाम क्या छूटा, अपनों ने भी मिला। हर रिश्ते टूटी साख हुए। बेहतर जिंदगी की चाह में जर जमी और वतन छूट गया, पर हाथ क्या लगा, इंसान मशीन बन के रह गया, ना घर का रहा ना घाट का। सब हसरत जल कर राख हुई। सुख है क्या, दुख से मुक्ति या सुख को ना भोग पाने का मलाल? सुख पर है मेरा भी हक। भावना जी, आपसे शुरुआत करते हैं, आप बताइए कि क्या आपके पास किस तरह की कॉल आई है? मेरे पास जो एक कॉल आई है उसमें एक लड़की है जो इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है अपनी शादी की जिंदगी को, आने वाली शादी की जिंदगी को लेकर के। उसने कुछ टाइम पहले अपनी मैचमेकिंग करवाई थी, तो उसमें उसे पता चला कि उसे ससुराल को सुख नहीं है। उसके बाद उसने लाल किताब मंगवाई, उसमें भी यही निकला कि उसको ससुराल का सुख नहीं मिलेगा। उसके बाद वो अपने फियांसी को लेकर के आपसे आकर के पर्सनली उसने विजिट किया, उसमें भी आपने उसे यही कहा कि उन्हें शादी के बाद ससुराल का सुख नहीं मिलेगा। उस वक्त तो वो चुपचाप चली गई वहाँ से,
लेकिन उनके जब शादी की डेट नज़दीक आ गई है तो वहाँ पर लड़के और लड़के के बाप के बीच में दरारें पैदा हो गई हैं। लड़का अपने पिता से अब अलग रह रहा है, लेकिन वो लड़की परिवार के साथ रहना चाहती है। उसने अपने फियांसी को भी समझाया, लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं रहा है। वो लड़की यही कह रही है कि मेरी तो शादीशुदा ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही उसमें अब ग्रहण लग चुका है। गुरुदेव के पास ऐसा कोई आया हो? मेरे पास तो कई तरह के लोग रोज़ आते हैं, और जिसमें से ये बात मैं मेरा ख्याल नहीं तो आज तक कईयों को कह चुका हूँ कि ससुराल का सुख तुम्हारी किस्मत में नहीं है। ऐसा होता है जब भी जन्म कुंडली के अंदर राहुदेव खराब अवस्था के अंदर होते हैं, राहुदेव खास करके अष्टम भाव में बैठ जाए तो ससुराल का सुख खराब हो जाता है। और वहाँ पर आकर के राहुदेव की जो प्रेडिक्शन आती है लाल किताब में, वो खास तौर पर कहती है अपने ही कुनबे के साथ लड़ाई झगड़े क्लेश की स्थितियाँ उत्पन्न करेगा। उन्हीं के साथ में लड़ाई झगड़े यहाँ तक भी पहुँचेंगे कि कोर्ट कचहरी तक भी संभव हो सकती है। अब लड़की की कुंडली के अंदर जब राहु ऐसे अष्टम में आता है और साथ ही दूसरे घर का मालिक भी किसी न किसी रूप में खराब हो रहा हो, तो ऐसे में लड़की की कुंडली के अंदर ससुराल का सुख ही नहीं होता। बहुत सारे इस तरह के केसेस बनते हैं कि शादी के बाद मियाँ बीवी अलग हो गए, ससुराल के साथ नहीं रहे। ससुराल में जैसे ही लड़की पहुंची, थोड़ी देर के बाद में माँ बाप के साथ में हालात या नंदों के साथ देवर जेठ के साथ में हालात ऐसे उत्पन्न हुए कि मियाँ बीवी ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, चलो अलग चले गए। अब इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि पहले ही उसके हस्बैंड की प्रॉब्लम अपने पिता के साथ में हो गई, और लड़की के भी मन में चाव होता है, सच बात कह रही हो, कि जब वो ब्याह करके शादी करके अपनी ससुराल के अंदर पहला कदम जाके रखे तो उसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत हो, पूरा ससुराल उसको पूछे, ये सब कुछ वाकई में एक सपने होते। लेकिन बेटा सबको सारी चीज़ नहीं मिलती, और ऐसे में अगर वो मेरे पास आई हैं और मैंने ये शब्द अगर कहे हैं तो साथ में मैंने उपाय भी ज़रूर दिए होंगे, और ऐसी अवस्था में अगर वो उपाय कर लेते तो ये बात तो ठीक है कि जिस चीज़ का सुख अगर कुंडली के अंदर नहीं लिखा हुआ उसको अगर हम जागृत करते हैं तो उसमें थोड़ी सी कमी रहती है। लेकिन लाल किताब अमृत के उपाय दुखों को 80-90% तक दूर कर देते हैं और उनको निकाल देते हैं। हाँ, 8-10% नहीं दूर हो पाते जो फिक्स चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ऐसे में क्या कहते हैं कि ब्रह्मा का लेख है, इसको मिटाया तो नहीं जा सकता लेकिन आराम ज़रूर पाया जा सकता है। ऐसे में अगर वो लड़का लड़की दोनों अपने उपाय करके चलते हैं तो शादी के बाद उसको ससुराल का सुख मिलेगा। अभी भी उसके शादी को थोड़ी देर पड़ी है, अपनी जो उम्मीद है वो छोड़नी नहीं चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अभी उपाय कंप्लीट करें, क्या पता शादी से पहले हालात ठीक हो जाए। और वैसे भी ससुराल का सुख जिनकी कुंडलियों के अंदर भी खराब है, वहाँ पर राहु देव खास तौर पे खराब मिलते हैं। जन्म कुंडली का जो दूसरा घर होता है वो अपने कुनबे से और ससुराल से दोनों से ही कंसर्न होता है, और साथ ही रुपये पैसे से भी संबंधित होता है। ऐसी अवस्था के अंदर जिनको ससुराल का सुख नहीं होता उनको रुपये पैसे के मामले में भी कोई ना कोई दिक्कतें ज़रूर आती हैं। तो ऐसी अवस्था में जन्म कुंडली के दूसरा घर कौन से ग्रह से कंसर्न है ये तो लाल किताब अमृत से ही देखना पड़ेगा, लेकिन राहु के इलाज जरूर करने चाहिए। राहु के इलाज के अंदर कम से कम और ना सही सिर्फ एक छोटा सा उपाय ही बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर राहु वाकई में दुखी कर रहा हो, यानी कि ससुराल के अगर दुख मिल रहे हों, चाहे लड़की को मिल रहे हों चाहे लड़के को मिल रहे हों, ऐसी अवस्था के अंदर राहु के इलाज, जो मैं एक जनरल बातें कहता हूँ कि घर में रखी हुई बंद घड़ी, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान तो निकाल ही देना चाहिए, इसके साथ ही 1 किलो जौ दूध के साथ धो करके उनको लाल कपड़े के अंदर बांध के घर के अंधेरे कमरे में किसी वज़न के नीचे ज़रूर दबा दें, और वज़न अगर किसी अलमारी या ट्रंक या संदूक वगैरह का हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, यानी कि उनका वेट उस जौ के ऊपर आना चाहिए। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें कि रात्रि में एक गीले कपड़े के अंदर थोड़े से जो 1-2 मुट्ठी उसके अंदर रख करके और कपड़े को बंद करके आप सो जाएं और उसको सराहने ही रख लें। सुबह उठ करके सबसे पहले वो जौ लेकर के बाहर पार्क के अंदर किसी पक्षियों को डाल दें। अगर अपने जीवन के अंदर ये कंटिन्यूटी आप बना करके रखते हैं तो ये जो पक्षी यानी कि बुध और जौ यानी कि ये सूर्य और राहु का मेल ही होता है एक तरह का, और इनका जब आपस में मेल करते हैं तो राहुदेव अपने आप शुभ होने लगते हैं, और राहुदेव शुभ होंगे तो ससुराल का सुख अपने आप जागृत हो जाएगा। अगर इस तरह के हालात उस लड़की के है भी है, मान लो कि अगर शादी तक उसके ससुराल का सुख नहीं भी मिलता और बाप बेटे के अंदर तकरार रहती है और उसके चक्कर में उसको ससुराल का सुख नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, तब भी वो अगर शादी के बाद भी अगर ये उपाय कंटिन्यूटी में रखेगी तो उसको बाद में एक ना एक दिन ससुराल का सुख ज़रूर मिल जाएगा, उसको उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुदेव, जो मुझे खटका है, जब आपने अभी बताया कि लड़की एक कुंडली मिलाती है
अपने होने वाले हस्बैंड के साथ, तो अब भी आपने कहा कि 10% हम मान के चलते कि नहीं मिली, वो 10% नहीं मान के हम क्यों चले? क्योंकि अगर मैं किसी के साथ अपनी कुंडली मिला रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि मेरे पूरे कुंडली, हम इसीलिए मिलाते हैं कि हमारी पूरी उनसे दोष जो भी हैं या गुण मिले, तो अगर 10% हमारे गुण नहीं मिल रहे हैं तो फिर भी मेरे मन में एक रहेगा कि शायद कल को मैं शादी करूँगी, क्या पता मैं खुश रह भी पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। बेटा, भारत की पॉपुलेशन इस वक्त में लगभग जो देखा जाए 125 से 150 करोड़ हो रही है, और इतनी पॉपुलेशन में से शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो इंडिया की फर्स्ट फैमिली ना बनना चाहता हो, पर कौन बन सकता है, शायद ही किसी की किस्मत में है। दूसरी बात, जब भी कभी किसी को बीमारी हो जाती है और परमानेंटली हो जाती है, दवाई खा करके वो बेटा ठीक रह के ज़िंदगी को लंबा खींच तो सकता है लेकिन उसके सिम्टम्स नहीं जाते, और परमानेंट जब बीमारियां लगती हैं जैसे शुगर हो गई, अस्थमा हो गया या और बड़ी बड़ी बीमारियां कई हैं, जब ये हो जाती हैं तो सिर्फ आदमी दवाई खा करके अपने आप को ठीक करके चलता है लेकिन ठीक नहीं होता। इसी तरह से नसीब की खोटे भी होती है कई, जब स्टैंप लगा करके कोई योग आ करके बैठता है कि नहीं ये डेड श्योर होना ही है, तो उपाय करके उस हिस्से को कुछ अच्छा तो किया जा सकता है, उपाय करते करते उसको ज़िंदगी के अंदर चलाया जा सकता है, लेकिन उसका 100% निर्विघ्न पूरा का पूरा सुख मिले ऐसा संभव नहीं होता। ऐसे होते तो बहुत रेयर है, बल्कि हमारे पास अगर हज़ारों कुंडलियाँ आती है तो हज़ारों कुंडलियों के बाद एक आध कुंडली ऐसी आती है जिसके अंदर इस तरह का कोई ना कोई ऐसा दुख होता है कि जो परमानेंटली स्टैंप लग के बैठा होता है, जिसे कहते हैं कि ब्रह्म लेख है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। हम इंसान धरती पर पैदा होकर के और मरने तक कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके जीवन के अंदर कोई ना कोई कमी ना हो, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको संपूर्ण सुख मिले हो, और अगर संपूर्ण किसी को सुख भी मिल जाते हैं तो इंसान अपने दुखों को खुद बुला लेता है, सुखों वाली तरफ तो सुखी रहता है लेकिन कई बार तो सुख के बाद भी ऐसा फील होता है कि अब मैं सुखी हो गया हूँ इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ, ये हालात तक भी उत्पन्न होते हैं। तो बेटा, दुख तो एक ऐसी चीज़ है, जहाँ इंसान है, जहाँ कोई जीव है, वहाँ पर दुख नाम की चीज़ तो ज़रूर आनी है, इसको कभी ज़िंदगी से मिटाया नहीं जा सकता और किसी की भी ज़िंदगी से मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन बड़े दुख ना रहें, बहुत बड़ी कमियां ज़िंदगी के अंदर ना खले, इसके लिए हमें उपाय करने होते हैं। वो लाल किताब अमृत भी आपके पास है, मैं भी आपके पास हूँ, बाकी और एस्ट्रोलॉजर भी आपके पास है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी के अंदर बड़े दुख ना आए। स्त्री की कुंडली में दोष है कि ससुराल का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं वो आदमी भी घुटेगा। जैसे वो पिता का सुख नहीं मिल पा रहा और वो पत्नी कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच में जो दुख का माध्यम बन रहा है वो एक पुरुष भी बन रहा है जो उसको लेके आ रहा है, क्या कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में भी इस तरीके का दोष या कुछ? बेटा, अगर ये किसी ऑफिस में या सरकारी कार्यालय में या किसी और जगह पर ये चीज़ मिलती हुई होती तो हम आसानी से इसके लॉबी बनवा लेते इंसान और उस चीज़ को कोशिश करके पा भी लेते, ये नसीबों के खेल है। तुम जिस चीज़ की बात कर रहे हो, अब यहाँ पर रिश्ता हो चुका है, लड़के की कुंडली में क्या है यहाँ पर डिस्कशन नहीं हुआ है, मेरे को पता भी नहीं है और कुंडली भी उसकी मेरे पास नहीं है ताकि मैं बता सकूं, लेकिन लड़की की कुंडली के अंदर ससुराल का सुख नहीं है, मैंने मान लिया ये बात। लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर ये भी तो होता है कि लड़के की कुंडली के अंदर योग होता है कि जैसे ही शादी होगी उसके बाद वो कभी ज़िंदगी में सुखी नहीं रहेगा, ना कामकाज रहेगा ना घर के अंदर की सुख शांति रहेगी। होता क्या है, लड़के की कुंडली के अंदर ये दोष है और इल्ज़ाम मिलता है बहू को कि जब से आई है तब से घर बर्बाद हो गया, ना काम रहा ना सुख शांति रही, दोष लड़के की कुंडली में। अब यहाँ पर ये हो तो रहा है लेकिन उन दोनों को नहीं पता किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये नसीब का खेल है। अब किस्मत में बेशक लड़की की है लेकिन लड़ाई किसकी हो रही है, बाप और बेटे की। ऐसे में एक ही चीज़ है कि लड़की अगर अपने उपाय संपूर्ण कर लेगी तो ये चीज़ अगर पैदा हुई है तो ख़त्म भी हो जाएगी और बाप बेटा फिर एक हो जाएंगे। हम यही काम तो करते हैं, यही चीज़ तो दुनिया को देते हैं, और कोशिश करेंगे कि अगर लोग वाकई में जागरूक होते हैं, उसके लिए वाकई में हमारे तक आते हैं, तो हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि उनके जीवन के अंदर जो भी दुख है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। सुखदाता है गुरुदेव वशिष्ठ। गुरुदेव, एक मन में सवाल और उठ रहा है, जैसे इन्होंने सवाल पूछा कि लड़की की कुंडली के हिसाब से उसे परिवार का सुख नहीं है, ससुराल का सुख नहीं है, तो
उसमें कहीं क्या ये भी वर्णित होता है कि उसमें साथ में पति भी तो है, तो क्या पति के साथ उसके रिलेशनशिप ठीक रहेंगे, सिर्फ ससुरालियों के साथ खराब रहेंगे? हाँ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है कि किसी एक चीज़ के साथ जुड़ी हुई बाकी चीज़ों का सुख भी खराब हो, ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं उनकी कुंडली के अंदर योग होता है कि नौकरी का सुख नहीं रहेगा, लेकिन घर के अंदर वैसे देखा जाए, उनकी कुंडली के अंदर वैसे देखा जाए तो रुपए पैसे समृद्धि के सुख होते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग आज की डेट में, पीछे अखबारों में भी निकलता रहा है कि यही नहीं पता कि MCD के कर्मचारी है कहाँ, तनख्वाहें जा रही है, वो नौकरी पे ज़रूर रहते हैं। साठ गांठ ऐसी होती है कि नौकरी पे जाते भी नहीं है लेकिन तनख्वाह ज़रूर आती है। तो लोग बीमार भी होते हैं, घर पे भी बैठे रहते हैं या वैसे ही अपना काम करते रहते हैं लेकिन तनख्वाह ज़रूर आती है। इसी तरह से ये योग है। अब उसकी कुंडली के अंदर ससुराल का सुख नहीं है जो कि राहु से मिलता है, अकेले राहु से या दूसरे घर के मालिक से, लेकिन पति के सुख का ग्रह अगर अच्छा बैठा हुआ है तो पति का सुख ज़रूर मिलेगा। कई बार बुध अच्छा बैठा हो तो ननद का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है, मंगल अच्छे बैठे हों तो देवर जेठ का भी सुख बहुत अच्छा मिलता है, बृहस्पति अच्छे बैठे हों तो जेठ का भी सुख बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन राहु अकेला खराब है तो अकेले ससुराल यानी कि सास ससुर के साथ बिगड़ गई या ससुर के साथ बिगड़ गई। हर ग्रह का अलग रिश्तेदार बनता है। अब कई बार कुंडली के अंदर सिर्फ बुध ही खराब होता है, सास के साथ बनती है, ससुर के साथ बनती है, देवर जेठ के साथ बनती है, बुध खराब है तो ननद के साथ नहीं बनती, ननद के कारण घर में पंगे भी पड़ते। कौन डालता है? वो ननद थोड़ी डालती है, ये तो कुंडली का बैठा हुआ बुध डाल रहा है। बुध को ठीक कर लीजिए, ननद अपने आप ठीक हो जाएगी। अब कई जगह सारा परिवार खुशहाल होता है, पति की तरफ से भी खुशहाल होते हैं, बाकियों की तरफ से भी, ननद जेठ की तरफ से भी सब खुशहाल होते हैं लेकिन सास की तरफ से दुखी होते। तो ऐसे में जन्म कुंडली का अगर चंद्रमा ही खराब होगा तो सास से तो दुखी होना ही होना है, चंद्रमा का उठा के उपाय कर दीजिए, सास ठीक हो जाएगी और आपस में लड़ाई के झगड़े के जो हालात है वो अपने आप ही खत्म होने लग जाएंगे। घर में देवर जेठ के साथ नहीं बनती, मंगल का उपाय कर दीजिए, देवर जेठ के साथ में अपने आप अच्छे हालात उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। तो जिस भी रिश्ते के साथ बिगड़ रही हो उस ग्रह के बारे में सही रूप में एनालाइज करवा लीजिए। वो ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर कहीं से भी चोट खा रहा है, खराब स्वयं हो रहा है या उसे कोई खराब कर रहा है, उठा करके उसको शिफ्ट कर दीजिए, अपने आप जीवन के अंदर सुख पैदा हो जाएंगे। क्योंकि हर ग्रह से रिलेटेड कोई ना कोई रिश्ता होता ही है, कोई ना कोई रिश्तेदार बनता ही है। अभी कई बार देखा जाता है कि जब कुंडली मिलाई जाती है लड़के की या लड़की की, तो कई बार ऐसा होता है कि ये कुंडली में ऐसा आता है कि शादी के बाद या लड़के की दो शादियां होती हैं या लड़की की दो शादी होती हैं, तो उसमें लड़की के परिवार वाले घबरा जाते हैं या लड़के के परिवार वाले घबरा जाते हैं। जब भी जन्म कुंडली के अंदर इस तरह के योग होते हैं जो बिल्कुल संस्कारी घर होते हैं, जहाँ पर शुरुआत से ही मर्यादा सिखाई जाती है, अपनी हदें समझाई जाती हैं लड़के को भी और लड़की को भी, वहाँ पर मन के अंदर तो इस तरह की भावनाएं उठती हैं शादी के बाद भी, लेकिन इंसान कंट्रोल करके चलता है, भगवान से डरने वाला होता है, अपने रिश्तों से डरने वाला होता है, रिश्तों की कदर करने वाला होता है। अगर वो होता है इस तरह का तो ऐसे हालात नहीं बनते, वो समय आता है और आकर के गुजर जाता है। लेकिन अगर कोई मॉडर्न फैमिली हो जाती है और उसके पास में बुज़ुर्गों का सुख भी नहीं है और बुज़ुर्ग उसके साथ नहीं है, ये जो फैमिलियाँ हैं इनके अंदर आकर के कई बार वाकई में प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। कैसे? ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं कि जिसके अंदर ये दो शादियों के योग भी लिखे हुए हैं, लेकिन सबको पता है कि दो शादियाँ यानी कि शादी तोड़ के शादी करना कोई आसान बात नहीं है। तो ऐसे में क्या, गृहस्थी तो चलाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं बाहर अफेयर के हालात बन जाते हैं। वहाँ पर सही मायने में वो हालात पैदा होते हैं कि ना तो घर के रहे ना घाट के। वो थोड़ी देर के बाद जब समझ आती है तब तक देर हो चुकी होती है और तब इंसान पछताता है कि ये मैंने कर क्या लिया। तब उसी चंगुल से निकलने के लिए और अपनी गृहस्थी को भी अच्छा एडजस्ट करने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़ते। एक ये भी सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन होती है जो स्टैंप लगा के बैठ जाती है कि हाँ भाई दो शादियाँ होनी ही। उस कंडीशन में बेटा यहाँ पर मियाँ बीवी की कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि हालात क्या बनेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं जीवन साथी ही चला जाएगा कि वाकई में इतना लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ जाएगा कि कोर्ट केस बना करके हमें डिवोर्स ही लेना पड़ेगा। कहीं ऐसे हालात तो नहीं कोर्ट केस भी ना हुआ डिवोर्स भी ना हुआ लेकिन फिर भी अलग अलग और पूरा जीवन अकेले रहते रहते बिता दिया। हुआ कि अल्टीमेटली कभी ठीक है उसके संबंध कहीं और बन गए, उसके संबंध कहीं और बन गए, शादी भी नहीं हुई दोनों और दोनों अकेले रह करके अपना एंड तक का जीवन खराब कर लिया। बेटा इस तरह की बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन जो अभी यंग एज में बच्चे हैं उनके अंदर सब्र खत्म होता चला जा रहा है। अगर उनकी कुंडलियों के अंदर इस तरह के योग हों, मान लो दो शादियों के योग हों, होता क्या है, पहले तो ज़बरदस्ती शादी भी हो जाती है, उसके बाद में
एक दूसरे को टॉलरेट भी नहीं कर पाते, सह भी नहीं पाते, एक दूसरे की छोटी छोटी कमी भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। अल्टीमेटली होता क्या, ठीक है तेरे रास्ते अलग मेरे रास्ते अलग, उसी वक्त डिवोर्स लिया, तब तक अकल आ जाती। वो कहते ना विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब वक्त बुरा होता है तो छोटी सी बात समझ में नहीं आती, और जब वक्त अच्छा होता है तो बड़ी से बड़ी बातों से ही सुलझा ली जाती। और खास करके अपने जीवन के अंदर इस तरह के एग्जाम्पल तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। कई बार बहुत बड़ी बात बैठ करके दो मिनट में सुलझा ली जाती है, कभी इतनी सी बात का इशू बना करके अपनी ज़िंदगी ही बर्बाद कर ली जाती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग घमंड को दूर करना और सब्र अपनाना ये हमें शुरुआत से सिखाते आए हैं कि घमंडी मत बनो, सब्र करो और संस्कारों में रहो, और लड़ाई झगड़े बहस में नहीं जाना, एक दूसरे की सुन के और मान के चलो। और वैसे भी कहते हैं कि एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ही ब्रह्मज्ञानी। ये सच बात है कि अगर एक दूसरे के सोच समझ करके बैठ करके बातों का निष्कर्ष निकाल लिया जाए तो वो ज़्यादा उत्तम रहता है, बजाय कि छोटी छोटी बात का पूरा ताड़ बना करके अपने घर के माहौल को ख़राब करके अपने दिमाग को ख़राब करके रास्ते अलग करने की बजाय अगर बैठ के बात कर ली जाए तो वो ज़्यादा उचित है।